हेलो दोस्तों, आप सबका जैस मोची ब्लॉग में स्वागत है। आपको लेके चलते हैं आरवा वार जाने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पर देख लिया होगा, पेड़ के मिट्टी के जो गणपति बाप्पा होते हैं वो हर साल की तरह आज भी आपको एडवांस बुकिंग करवाने वाला हूँ। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत सारे गणपति बाप्पा जो है पेड़ के माटी जो आती है मुंबई की, ये जो है एडवांस ही बुकिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में जो है गणपति की मूर्तियाँ नहीं मिलती है। और एक ऐसी जगह आपको ले चलता हूँ जहाँ पर खारवा वाड़ के अंदर पिछले 20 सालों से जो है गणपति बाप्पा की माटी की पेड़ की मूर्ति बेचते हैं। ये है पूर्वी मूर्ति आर्ट। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, सभी चीजें आपको जो है प्राइस के साथ बताएंगे, किस तरीके से गणपति बाप्पा की सजावट की जाती है वो सब भी कुछ वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपको इस व्लॉग चैनल पर मैं देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर सभी जगहों पर आप हमें सपोर्ट जरूर से करें। दोस्तों देखिए, पूर्वी श्री जी मूर्ति आर्ट पर फाइनली पहुंच गए हैं। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, सभी गणपति बाप्पा आपको प्राइस के साथ बताएंगे। छोटी बड़ी सभी साइज़ के गणपति बाप्पा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलो गणपति बाप्पा देखो, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। बने रहो व्लॉग में, सभी कुछ चीज़ें बताते हैं। दोस्तों देखिए, श्री जी मूर्ति आर्ट के ऑनर है विमल भाई खारवा हमारे साथ, और आज के इस वीडियो में सभी जो गणपति बाप्पा है वो विमल भाई दिखाने वाले हैं। विमल भाई, अपन जो है गणपति बाप्पा का ये जो पेड़ की माटी की मूर्ति का बिजनेस है वो कितने साल से अपन करते हैं? भाई ये मेरा बिजनेस है लगभग 7 साल से, ये 8वां साल है मेरा। 8वां साल, 20 साल मैंने एड्रेस चेंज किया है। बराबर, प्रॉपर मेरा एड्रेस हनुमान जी मंदिर के पीछे था। बराबर, अभी मेरा एड्रेस हनुमान जी मंदिर के सामने सामने है। और बराबर, जो पंचकी जो वाड़ी है खारवा पंचकी वाड़ी उसके सामने उसके सामने। तो दोस्तों वीडियो में मैंने डिटेल से आपको एड्रेस वगैरह सब भी कुछ चीज़ें बताई है। पेड़ की गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ बहुत ही जल्दी अभी बुकिंग चल रहा है अपना गणपति बाप्पा का, 30% तक बुकिंग हो चुका है। बराबर, तो देखो दोस्तों 30% तक जो है गणपति बाप्पा की मूर्तियों का बुकिंग हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको जो है मूर्तियाँ बताएंगे और सभी चीज़ों का जो छोटी बड़ी मूर्तियाँ हैं उनकी प्राइस भी बताएंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप आओ और आपके जो गणपति बाप्पा पेड़ गांव की जो माटी की मूर्तियाँ है उसको जल्दी से बुक करवा। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल जो छोटे से गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ है वहाँ से आपको सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये पेड़ गांव की माटी की मूर्तियाँ है, बहुत ही जल्दी जो है इसका बुकिंग हो जाता है। अगर आप भी गणपति बाप्पा बुक करवाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। और देखिए ये छोटी सी साइज़ से गणपति बाप्पा शुरू हो जाएंगे। देख लो, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो आपको 600, 800, 1000 रुपये इस तरीके से अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएंगे। देख लो विमल भाई के हाथ में, विमल भाई ये जो मूर्ति है ये अपने को क्या प्राइस तक मिलेगी? 1151 में मिलेगी। देख लो ये 1151 रुपये में मिल जाएगी। इसमें अलग अलग स्वरूप के गणपति बाप्पा मिल जाएंगे अपने पास? मिल जाएंगे। बराबर, और अगर मेरे पास 10 वेरायटी है, इसमें 10 वेरायटी है। तो दोस्तों देख लो, इसमें आपको 10 गणपति बाप्पा अलग अलग मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, अभी आप जो गणपति बाप्पा के दर्शन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं मूर्तियाँ, ये जो है आपको 1 फुट में मिल जाएगी, है ना विमल भाई? ये 1 फुट वाली है। तो इसमें 1 फुट में किस तरीके से प्राइस रहता है? 1651 रुपये। और ये प्योर जो है पेड़ की पेड़ गांव की माटी की मूर्तियाँ अपने पास मिलेगी। अब इसमें अपने पास मूर्तियों में मंगल मूर्ति भी मिल जाएगी। मंगल मूर्ति भी मिलेगी, जो पहले छोटी सी मूर्ति दिखाई उस तरीके से मंगल मूर्ति है। बराबर, और स्थापना की मूर्ति भी मिल जाएगी, 1 फुट से 100 फुट तक अपनी स्थापना। बराबर, तो दोस्तों देख लो, आपको एक ही जगह पे जो है सभी गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ मिलने वाली है। तो भाई पूर्वी श्री जी मूर्ति आर्ट को एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा। सभी जो है स्थापना से लेकर बड़े तक के गणपति बाप्पा आपको प्योर पेड़ की माटी की मूर्तियाँ इस स्टोर में मिल जाएगी। नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप जो है विजिट कर सकते हैं, और आपको करंट लोकेशन भी जो है विमल भाई शेयर कर देंगे, तो आप इजीली जो है आप यहाँ पर स्टोर पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों गणपति बाप्पा मूर्तियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। देखिए ये जो है प्योर पेड़ गांव की माटी की मूर्तियां है, और आप देख रहे हो ये जो मूर्तियां है हमारे हाथों में, ये 1.25 फुट की है ना विमल भाई?
सवा फुट की मूर्तियां है, देख लो बालाजी स्वरूप में है। इस तरीके से अलग अलग स्वरूप के अंदर मिल जाएंगे। ये देखो अष्ट विनायक है, देख लो बहुत ही बढ़िया जो है गणपति बापा की मूर्ति आपको मिल जाएगी। और ये विमल भाई क्या प्राइस से शुरू होगी? 2100 से शुरू हो जाएगी, है ना। देख लो दोस्तों, सवा फुट की मूर्ति आपको 2100 में मिल जाएगी, देख लो। तो 2100 से स्टार्ट हो गए, अलग अलग आपको प्राइस में अलग अलग मूर्तियाँ जो है पूर्वी श्रीजी मूर्ति आर्ट में मिल जाए। और दोस्तों देखिए, सवा फुट की मूर्ति में जो मैंने आपको अष्ट विनायक बताए इस तरीके से आएंगे। और ये देखिए, जासूद के फूल में बैठे हुए जो गणपति बापा होते हैं वो इस तरीके से आपको देख सकते हो कि अलग अलग स्वरूप के गणपति बापा जो है आपको सवा फुट की मूर्ति में मिलने वाले हैं। देखो ये भी है, बहुत ही बढ़िया इस तरीके से गणपति बापा है। दगड़ू सेठ वाले जो गणपति बापा है वो भी आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। देखो अलग अलग जो है डिज़ाइन में आपको सवा फुट में देखो बहुत सारे जो है गणपति बापा इस तरीके से मिल जाएंगे। एक बार आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा। अगर आप दोस्तों माटी के गणपति बापा की मूर्तियाँ स्थापित करते हो और घर में गणपति बापा बिठाना चाहते हो, एक बार पूर्वी श्रीजी मूर्ति आर्ट को जरूर से विजिट कीजिएगा। भाई विमल भाई पिछले 7-8 सालों से देखिए बहुत ही बढ़िया जो है गणपति बापा की मूर्तियाँ इस तरीके से सजा के बेचते हैं। और वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। विमल भाई है, उनकी खुद की फैमिली जो है गणपति बापा को सजाने का काम करती है और आपके हिसाब से भी आपको जो है सभी चीज़ें सजा के यहाँ पर गणपति बापा की मूर्तियाँ अलग अलग आपको इस तरीके से मिल जाएगी। देख लो इस तरीके से दोस्तों 100 फुट वाली मूर्तियाँ, बहुत सारी गणपति बापा की मूर्ति आपको मिलने वाली है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यू जो भी है वो भी मिल जाएगी। और रेगुलर देखिए इस तरीके से जो पार्ट पर बैठे हुए गणपति बापा है, देखो सभी जो है प्योर मिट्टी में गणपति बापा की मूर्तियाँ है। हर साल की तरह इस बार भी जो है आपने बहुत ही सारे कमेंट किए थे भाई के भाई मिट्टी की मूर्तियों के जो गणपति बापा है उसका स्टोर का विजिट करवाइए। देखिए ये जो है पूरे इस तरीके से गणपति बापा देख लो सजाए गए हैं। ये जो है सभी जो पूर्वी मूर्ति आर्ट है ये खुद विमल भाई और उनकी फैमिली जो है सभी कुछ चीज़ें आपको सजा के देने वाले। दोस्तों देखिए पूर्वी श्री जी मूर्ति आर्ट में आपको जो विजिट करा रहा हूँ, ये है पूर्वी जी और विमल भाई के डॉटर है। और पिछले 8 सालों से सब फैमिली मिलके इस तरीके से भगवान गणपति बापा को सजाने का काम करते हैं ना विमल भाई। तो ये जो सजे हुए गणपति बापा है वो किस तरीके ऐसे मिलेंगे प्राइस में? ये अपना 1151 वाले, ये 1100 रुपये तक में मिल जाएंगे। ओके, सजावट के साथ अपने को 1251 ये 1200 में पड़ेगी, मतलब मैं 100-150-200 रुपये का फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए आपको इस तरीके से हाथों से सजाए हुए गणपति बापा वो भी प्योर माटी में मिल जाएंगे। अगर विमल भाई इसके गणपति बापा के विसर्जन की अगर बात करें तो ये कितने घंटे में मूर्ति मतलब में पानी में जाने के बाद पिघल जाएगी? हमारे जो क्लाइंट है ना, हाँ, वो घर पर ही विसर्जन करते हैं। घर में ही विसर्जन 2 घंटे में हमारा ये जो मूर्ति है वो विसर्जन हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे में। तो दोस्तों देखो विमल भाई बता रहे प्योर मिट्टी की मूर्ति है और 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये सभी मूर्तियाँ जो जो भी गणपति बापा अपने घर में बिठाते वो जो है घर में ही विसर्जन करते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर गणपति बापा की मूर्तियाँ जो है पिघल जाएगी बिल्कुल प्योर, और पैन गांव के माटी की मूर्तियाँ आपको इस तरीके से मिल जाएगी। देखिए बहुत ही बढ़िया गणपति बापा सजे हुए आपको दिखाए। और ये देखिए इस तरीके से अगर आप बिना सजे हुए लेना चाहते हो तो आपको इस तरीके से ये भी गणपति बापा मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए पूर्वी विमल भाई के जो डॉटर थे पूर्वी बहन और उनके ये वाइफ है रेशमा बहन, देख लो। और ये जो है रेशमा बहन, ये गणपति बापा आप ही तैयार करते हैं ना। तो देखो इस तरीके से गणपति बापा आपको सजा के जो रेशमा बहन है पूर्वी जो है और विमल भाई जो है इस तरीके से पिछले 7-8 सालों से गणपति बापा की सजावट कर रहे हैं। और देखो गणपति बापा ये तिरुपति के रूप में है, तो विमल भाई ये सजे हुए जो तिरुपति के रूप में गणपति बापा है ये हमें क्या प्राइस तक मिलेंगे? ये है 1.25 फुट की मूर्ति, 1.25 फुट की मिलेगी 2151 रुपये में मिल जाएगी सजावट के साथ बराबर। अभी समझ लो कि ये जो सजावट है
और मैं प्लेन मूर्ति लेता हूँ इस तरीके की तिरुपति में, और मेरे को हमारे हिसाब से सजाना होगा तो वो भी आप कर दोगे? कर देंगे 200-300 रुपए जो खर्चा आता है, जो आपकी डिजाइन रहेगी वो हिसाब से होगा। तो दोस्तों देखिए, आपको एक्स्ट्रा जो है 200-300 रुपया खर्चा लगा के आपको जो है इस तरीके के गणपति बाप्पा आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से आपको जो है सजा के विमल भाई और उनकी फैमिली इसी तरीके से पिछले 8 सालों से दे रहे, और 2024 में भी आपको जो है आपकी सजावट के हिसाब से गणपति बाप्पा पूर्वी श्रीजी मूर्ति आर्ट्स में मिल जाएंगे। भाई दोस्तों देखिए, अगर आप मिट्टी की गणपति बाप्पा की मूर्तियां अपने घर में बिठाते हैं और इस तरीके की सजावट वाली मूर्तियां बिठाते हैं, तो आपको बता दूं कि जयेश मोची व्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, और आकर जो है विमल भाई को बताइएगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा आपको वीडियो में नहीं बता रहे विमल भाई, बराबर ना विमल? तो देखिए इस तरीके से आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। तो विमल भाई ये जो है कितने फुट की मूर्ति है? ये 1.5 फुट की मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है वो पूरी अपने शॉप पर मतलब रेशमा बेन ने खुद ने सजाई है। तो दोस्तों देखो, ये जो मूर्ति आप देख रहे हो 1.5 फुट की, मुगट वगैरह आप देख सकते हो और गणपति बापा के गहने वगैरह आप देख सकते हो। देखो ये जो है रेशमा बेन ने और पूर्वी जी जो उनके डॉटर है और विमल भाई, ये इसी तरीके से हर साल जो है गणपति बापा सजा के माटी की मूर्तियाँ बेचते हैं। तो इस बार भी आप जो है एडवांस बुकिंग के लिए आ जाओ, स्क्रीन पर जो है मैंने पूरा एड्रेस, नाम और विमल भाई का फ़ोन नंबर भी दिया है। आप जैसे ही विमल भाई को कांटेक्ट करोगे, विमल भाई जो है आपको करंट लोकेशन भेज देंगे, तो इजीली आप जो है यहाँ पर पहुँच जाओ। दोस्तों देखिए, मिट्टी की मूर्तियाँ जो गणपति बापा आप अपने घर में स्थापित करते हो, इससे रिलेटेड विमल भाई जो है आपका एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं जो गणपति बापा की मूर्तियाँ बिठाते। तो विमल भाई किस तरीके की बात है बताओ। ये जो मिट्टी की मूर्ति है हम घर पे लेके जाते हैं, बराबर उसका हाथ टूट जाता है, बराबर पैर का कुछ नाखून दाखून टूट जाता है, बराबर खंडित नहीं होती, खंडित लोग ऐसा समझते हैं कि खंडित हो। तो दोस्तों देखो, आप मूर्ति खरीद के घर ले जाते हो, उस वक्त अगर समझो कि हाथ टूट जाता है या नखून बखून टूट जाता है उसकी बात करें, क्योंकि प्योर मिट्टी की मूर्ति है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो उससे रिलेटेड ये स्थापना जब तक नहीं होती तब तक वो खंडित नहीं रहती। स्थापना होने के बाद साथ में एक मंगल मूर्ति रखते हैं, बराबर ये बड़ी मूर्ति कुछ भी हो तो चलेगा। ये क्या है कि ये मिट्टी की मूर्ति जो है पहले क्या है, वो एक मूर्ति का काम क्या है कि मूर्ति को पूरी कम्प्लेक्स सजा सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो तो हम लोग खुद घर पे जाके उसको रिपेयर करके दे रिपेयर कर जब तक स्थापना नहीं होती उससे पहले, बराबर बराबर। तो दोस्तों देखें, विमल भाई हमें ये क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आप ले जाते हो अगर बाइक पर जा रहे हैं, कार पर जा रहे हैं और मिट्टी की मूर्ति है, बराबर, तो अगर कहीं ना कहीं से खंडित हो जाती है, तो विमल भाई इस तरीके से बता रहे कि जब तक आप मंगल मूर्ति की स्थापना नहीं करते हो, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा की स्थापना नहीं हो जाती है, बड़ी मूर्ति को या छोटी मूर्ति को कुछ भी होता है, टूट फूट जाती है, तो उनको जो है मूर्तिकार रिपेयर कर सकते हैं, उनको जो है सजा सकते हैं, वो मूर्तिकार का काम है। तो आपको ये नहीं समझना है, आपके जो डाउट्स रहते हैं कि भाई मूर्ति खंडित हो गई अब तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे डाउट्स नहीं है, मंगल मूर्ति है, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, बस आपको मूर्तिकार को बताना है। इन्होंने बताया विमल भाई, जैसे हम विमल भाई जो बता रहे कि भाई घर जाके भी मूर्ति जो है आपको रिपेयर करके देते। तो देखिए कोई भी डाउट ना रखिएगा, गणेश चतुर्थी मंगल मूर्ति का ये जो पर्व है तो वो सभी का मंगल करने के लिए आते हैं, किसी का कोई सभी के विघ्नहर्ता देव है और सभी के विघ्न हर जाते हैं, किसी का विघ्न बढ़ता नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए विमल भाई ने बहुत सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर कर दी, सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में गणपति बापा की अलग अलग मूर्तियाँ विमल भाई ने और मैंने होके आपको जो है प्राइस के साथ डिस्कशन किया है। तो विमल भाई और क्या बताना चाहते हैं? ये जो मूर्ति है और हमारे जो क्लाइंट है आपका वीडियो जो भी लेके आएगा उसको मैं खास डिस्काउंट, बराबर। तो भाई अपना वीडियो जो देख के आएंगे, शेयर करके आएंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो करके आएंगे, उनको जो है विमल भाई एक खास डिस्काउंट देने वाले हैं। मेरा बुकिंग टाइम है शाम से 6 से 9 बजे तक। ओके, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप बुकिंग लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइमिंग से आ जाइएगा और फ़ोन भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के 1.5 फुट की मूर्तियाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ मूर्तियाँ बुक भी हो चुकी है, ये 1.5 फुट की मूर्ति है और ये 2-2.25 फुट के गणपति बापा है, देख लो।
प्योर मिट्टी की मूर्तियाँ दोस्तों देख लीजिएगा, 4,000, 5,000, 6,000 इस तरीके से अलग अलग प्राइस में आपको जो है ये भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी मिट्टी की मिल जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा। प्योर माटी की मूर्तियाँ है और गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ बनाने का जो काम है वो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हो कि गणपति बाप्पा का बाजट वगैरह और गणपति बाप्पा का मुख आँखें देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है काम किया गया है और बहुत ही बढ़िया जो है आपको पूर्वी मूर्ति आर्ट्स के अंदर इस तरीके से गणपति बाप्पा की मूर्तियां मिल जाएगी। तो दोस्तों 2024 की गणेश चतुर्थी को बहुत ही धामधूम के साथ मनाइएगा और गणपति बाप्पा की मूर्तियां सबसे पहले एडवांस में बुकिंग करा लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर और एड्रेस मैंने दे दिए दोस्तों। देखिए पूर्वी श्रीजी मूर्ति आर्ट की एड्रेस के अगर बात करें तो ये है पत्थर गेट, नानी खारवावाड़ जो मदन झापा रोड है, हनुमान जी मंदिर के बरोबर सामने वाला जो खांचा है वहीं पर आपको मिल जाएगा, खारवावाड़ पंचरत्न वाड़ी के सामने ही है। तो भाई एड्रेस में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो इसके लिए मैंने विमल भाई का नंबर जो है स्क्रीन पर चलाया हुआ है, आप जो है उनके साथ फ़ोन करके आप जो है करंट लोकेशन भी मंगवा सकते हो और इजीली जो है पूर्वी श्रीजी मूर्ति आर्ट को जो है आप विजिट करके अपने एडवांस में पेण गांव की मिट्टी के गणपति बाप्पा जो है आप बुक करवा। तो भाई दोस्तों देखिए श्रीजी पूर्वी मूर्ति आर्ट्स में आपको विजिट करवाए, गणपति बाप्पा के बहुत सारे स्वरूप जो है मार्केट में आ गए और विमल भाई ने जैसे कि हमें बताया भाई 30% तक तो जो है गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ बुक भी हो चुकी है। तो भाई इस वीडियो में आपको जो है गणपति बाप्पा की सभी मूर्तियाँ दिखाने की कोशिश की, सभी स्वरूप और संगीता जी के पैर की मोच है आप लोग जानते ही हो, तो वो आराम में है थोड़ा बहुत और जो पूरा वीडियो आपने देखा उसको शूट संगीता जी ने किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, आने वाले सभी फेस्टिवल्स में अलग अलग वीडियो मिलते रहेंगे जैसे कि आप हमें कमेंट करते हो, हर सभी के जैसे एक ही जैसे वीडियो बना कर आप नहीं देते हो, अलग अलग चीज़ें दे, तो बस हमारा यही प्रयास है कि आपको सभी फेस्टिवल्स में सभी जगहों पर हम हेल्प कर पाए। कहीं ना कहीं जो है 40-45 साल की उम्र गुजर चुकी है और जो है थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें आपकी सबसे बढ़िया हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरिया बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे हिट करके रखिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, देखो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे भी आपके लिए सेवा कर रही हूँ। तो भाई टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप सभी जगहों पर सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरिया।